हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ H&M हॉल शेयर करने वाली हूँ। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, मतलब अपनी हर हॉल वीडियो में बोलती हूँ कि मुझे एक्सेसरीज का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये आज की जो वीडियो है वो भी एक्सेसरीज़ के ऊपर ही है। मैंने कुछ ऑनलाइन हैंड बैग्स मंगवाए थे, ऑनलाइन खरीदे हैं। थोड़ा टाइम लग जाता है, एक हफ्ता लग जाता है H&M से आने में, लेकिन कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो मैंने एक हफ्ते का सब्र दिखाया और मुझे उसका फल मीठा ही मिला। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो करना है। आपको सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, स्क्रीन पर भी मैंशन हो रही होगी, या आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। टोटल 3 बैग्स हैं, लेकिन इतने बड़े, मतलब ये इस बैग में आया है जो भी कहते हैं इसको, लिफाफा जो भी कहते हैं, इतने बड़े लिफाफे में आया है। अरे मुझे छींक आ रही है, मुझे एक बार ये छींक लेना चाहिए। कहते हैं कुछ अच्छा काम करने से पहले छींकना नहीं चाहिए, कंट्रोल हो गई। ठीक है, तो मैं वन बाय वन आपको इसमें से हैंड बैग्स निकाल कर दिखाती रहूँगी। तो सबसे पहले जो मेरा मोस्ट फेवरेट बैग है वो है ये, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ये बैग। हॉट पिंक कलर का है, आप देख सकते हैं। आप इसको वेस्टर्न या इंडियन आउटफिट कुछ भी वेयर करें उसके साथ इसको कैरी कर सकते हैं। बस ज़्यादातर इसमें ये है कि आप ब्लैक या सेम इस कलर की या ग्रीन कलर की कुछ इस तरीके की आउटफिट अगर पहनेंगे तो उसी के साथ ये मैच जाएगा। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मेरा अगर मन करता है कि मेरे इस आउटफिट के साथ ये मैच जा रहा है या नहीं जा रहा है, लेकिन अगर मेरा मन है तो मैं इसको कैरी कर लेती हूँ अपने मन को खुश करने के लिए। जैसे अभी मेरे इस आउटफिट के साथ ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा, अगर मेरा मन करेगा ना तो मैं इसको भी कैरी कर लूँगी, हालांकि बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। एनीवेज ये तो मेरी सोच है। इसमें जो कंपार्टमेंट बने हुए हैं वो खाली एक ही है, और इसके अंदर से मैं पहले दिखा दूँ, कुछ अंदर है तो नहीं ऐसा, क्योंकि ताकि इसकी शेप इसी तरीके से रहे। मैंने इसके अंदर कोई कपड़ा डाल रखा है, मेरी ही कोई कुर्ती है वो डाल रखा है, ताकि इसकी शेप बहुत अच्छी से बनी रहे। इसके अंदर और कोई कंपार्टमेंट नहीं है, अंदर कोई और पॉकेट नहीं बनी हुई है, ये खाली एक सिंगल पॉकेट वाला है। तो ये मेरा ये सबसे बेस्ट परचेज़ है, मुझे ऐसा फील होता है मेरा आज तक का जो सबसे अच्छा हैंड बैग है वो यही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन है। बच्चे भी इसको कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही साइज़ में छोटा है, क्यूट है, तो ऑब्वियसली बच्चे पसंद करेंगे ही करेंगे। तो ये मेरी बेस्ट शॉपिंग, मतलब मेरी बेस्ट परचेज़ है। नेक्स्ट है ये बैग, ये भी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 1000 की रेंज में ही होगा। ये भी बहुत ही छोटू सा ही बैग है, बच्चे भी इसको कैरी कर सकते हैं और आप भी ऑब्वियसली कैरी कर सकते हैं। मेरे आउटफिट के साथ भी जा रहा है, क्योंकि अभी मैंने इंस्टाग्राम पे जो शूट किया है इस आउटफिट के साथ मैंने सिल्वर रंग की सैंडल पहन रखी है। अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो मुझे ऊपर करना पड़ेगा। और जिस तरीके से मैंने ज्वेलरी पहनी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैग मेरे इस आउटफिट के साथ जा रहा है, और ये सिल्वर कलर का है तो ये किसी भी आउटफिट के साथ जा सकते हैं। आप इंडियन वेयर, मतलब इंडियन वेयर कर लो या आप वेस्टर्न वेयर कर लो। और एक और बात, मैं ये चीज़ नहीं सोचती हूँ कि अगर मैंने गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड कलर के, मतलब एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेस पहन रखी है, सूट पहन रखा है, तो मुझे उसके साथ सिल्वर नहीं पहनना है, सिल्वर बैग नहीं कैरी करना है। मैं ऐसा नहीं सोचती, मेरा जो मन करता है मैं वो कैरी कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें भी जो है एक ही कंपार्टमेंट बना हुआ है, इसमें ज़्यादा कंपार्टमेंट नहीं है। मैंने इसको एक ही बार अब तक कैरी किया है, और इसके अंदर मैंने कुछ इसलिए नहीं डाल के रखा हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी फ्लैट है, इतना ज़्यादा फ्लफी नहीं है कि आपको इसके अंदर कुछ डाल के रखने की ज़रूरत पड़े और इसकी शेप बरकरार रहे। इसकी ऑलरेडी शेप, अगर आप इसमें कुछ नहीं भी डाल के रखोगे, इसको थोड़ा मोड़ वोड़ के भी रख लोगे ना, मतलब मोड़ वोड़ भी जाएगा कैसे थोड़ा, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालाँकि ऐसे कीजिएगा नहीं, क्योंकि कभी ना कभी ऐसे होता है कि उसमें लाइन ऐसे पड़ जाती है। तो ये बहुत ही स्मार्ट पर्स है, अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके के पर्स को परचेज करना तो आप मिंत्रा पे भी देख सकते हैं और आप H&M पे भी देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वैसे मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसे अंदर जो है ना ऐसे कागज होते हैं उनमें ये रैप होकर आते हैं। अब तक मैंने इस बैग को कैरी नहीं किया है इसलिए इसका टैग भी नहीं उतारा है। मैं पहले आपको इसका प्राइस बता देती हूँ कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 2299, यानी कि 2300। हालांकि ये 2300 का तो मुझे नहीं पड़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा होगा ये, ठीक है। 2300 इसके ऊपर लिखा हुआ है, 1000 तक का ही पड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 का पड़ गया होगा, लेकिन मुझे अभी इसका बिल्कुल भी प्राइस याद नहीं है। अगर मेरे पास इसका बिल होगा, जो ऑनलाइन बिल आता है, तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि कितने का पड़ा है। लेकिन आप खुद, अब प्राइस को छोड़ो, आप ये खुद देखो ये कितना स्मार्ट पीस है। इसको खाली आप
हैंड बैग मतलब यहाँ पे इस तरीके से शोल्डर बैग की तरह, नॉट हैंड बैग, इसको शोल्डर बैग की तरह कैरी कर सकते हैं। पर्पल कलर है मेरे पास, और भी बहुत से पर्स हैं इसलिए मैंने कलरफुल पर्स लेना प्रेफर किया। और इसको जो ये जो डिटेलिंग है इसकी, ये गोल्ड कलर की, ये बहुत अच्छी लग रही है, इसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है। ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे तो ये ओपन होता है। और अंदर कोई जिप नहीं है लेकिन अंदर एक कंपार्टमेंट और बना हुआ है। अब तक मैंने जैसे आपको बताया कि इसको कैरी नहीं किया, तो अंदर जो इसके कागज़ डल कर आते हैं वो अभी भी डले ही हुए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी शेप ख़राब हो जाएगी तो इसके अंदर कुछ डाल के रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ऑलरेडी सिंपल सी शेप है तो ज़्यादा इसकी शेप ख़राब होगी नहीं। मैं इधर उधर क्यों कर रही हूँ इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ब्लिंकी ब्लिंकी सा है। और ये गोल वाले सीक्वेंस नहीं है, मैंने पहली बार ऐसे सीक्वेंस देखे हैं, लंबे लंबे सीक्वेंस हैं। और इसके अंदर कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस ये बता सकती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। आई थिंक मुझे आपको एक बार कैरी करके दिखाना चाहिए इसको। देखो आप इस तरीके से इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। अब मुझे वेट है कि मैं इस पर्स को कब कैरी करूँगी, बहुत ही जल्द कैरी करूँगी। वैसे भी हैंड बैग्स को कैरी करने के लिए हमें सीज़न नहीं देखना पड़ता है, सर्दी गर्मी ये सब चीज़ें नहीं देखनी पड़ती है हमको, सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सी जगह पे कौन सा पर्स जा रहा है। मतलब मेरे कहने का ये है, अगर आप ट्रैवल कर रही हैं तो ट्रैवल में ऑब्वियसली आप जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा हैंड बैग हो, थोड़ा सा सिंपल सा हैंड बैग हो, इस तरीके के हैंड बैग नहीं चलते हैं। अगर आप फिर भी ट्रैवल करते वक्त थोड़े इंडियन वेयर पहन रहे हैं, थोड़े से स्टाइलिश से, कि आपको डायरेक्ट आपको ट्रेन से या प्लेन से उतर के अपने डेस्टिनेशन पे जाना है, तब आप इस तरीके के बैग कैरी कर सकते हैं ट्रैवल के टाइम पर। लेकिन ट्रैवल के टाइम पर तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम थोड़ा बड़ा हैंड बैग यूज़ कर सकते हैं। मैं कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हूँ अब, ठीक है। एनीवेज ये थ्री पर्स मैंने आपको दिखाए हैं, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये थ्री हैंड बैग्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप देख सकते हैं तीनों के तीनों, जब एक साथ कर रहे हैं तो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने कलरफुल और कितने स्मार्ट लग रहे हैं। हर किसी को वैसे कलरफुल नहीं पसंद आता है, मुझे पसंद आता है, मुझे इसी तरीके की चीज़ें पसंद आती है जो थोड़ी सी गॉडी, और उसको हिंदी में बोले तो चमचम कह दो कि चमचम, बिल्कुल जैसे जिसको ऑफिस वेयर नहीं कह सकते हैं, मुझे इसी तरीके की चीज़ें पसंद आती है। जो मैंने अभी आउटफिट पहना हुआ है, मतलब जो मैंने सूट पहना हुआ है, ये ऑफिस वेयर भी कह सकते हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं इस तरीके के सिंपल कपड़े पहन के जा सकते हैं, लेकिन उसको स्टाइल करने का अपना अलग अलग तरीका होगा। आप इस तरीके की ज्वेलरी ना पहन के सिंपल सा कोई पेंडेंट पहन सकते हैं, इस तरीके के इयररिंग्स ना पहन के सिंपल से इयररिंग्स पहन सकते हैं, ज़्यादा ब्राइट लिपस्टिक ना लगा के न्यूट लिपस्टिक लगा सकते हैं। आप इस चमचम ब्रेसलेट की जगह पे आप सिंपल सी वॉच पहन सकते हैं, तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी आउटफिट हो जाएगी। और इसके साथ सिंपल आप सैंडल पहन सकते हैं, बेली पहन सकते हैं, ब्लैक कलर की बेली पहन सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी सी जो है सिल्वरी सिल्वरी जैसी सैंडल पहन रखी है, थोड़ी सी ब्लिंकी ब्लिंकी जो है ब्रेसलेट पहन रखा है, थोड़ा सा गॉडी है, चमचम है, ज्वेलरी मेरी इस तरीके की है, मुझे इस तरीके के अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं मिलती हूँ अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी ये पर्स बहुत पसंद आए हों, जैसे मैंने कहा थोड़ी सी गॉडी है लेकिन पसंद आए हो, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों की दोनों आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके चेकअप कर सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीन पे फ्लैश होते नजर आएगी तो वहां से भी आप जाके मतलब कॉपी कट पेस्ट, नहीं कॉपी कट पेस्ट तो नहीं हो पाएगा, बस डायरेक्ट आप टाइप करेंगे अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो मेरी जो प्रोफाइल है आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।